हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन कैलियस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है MCQ के जैसे, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है कि आपसे यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर हमारी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय गंवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस बिटवीन चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में से है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। तो आपने मैंने देखा होगा, जैसे कि मैंने लेफ़्ट साइड में लिखा है कैलियस कल्चर के बारे में और राइट साइड लिखा है सस्पेंशन कल्चर के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपने एग्जामिनेशन में कि ऊपर लिख देंगे कैलियस कल्चर के बारे में, नीचे लिख देंगे दूसरे टॉपिक के बारे में, सस्पेंशन कल्चर के बारे में, जो कि रॉन्ग मेथड है स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप बोर्ड्स एग्जामिनेशन में वैसे लिखते हो तो आपको मार्क्स ज़रा भी नहीं मिलता है। तो प्लीज़ आप इस बारे में अच्छे तरीके से समझ जाइए कि आपको किस पैटर्न से लिखना है और आपको क्या लिखना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कैरियस कल्चर का पॉइंट नंबर 1 है, हेयर सेल डिवीजन इज एक्सप्लांट फ्रॉम्स अ कैरियस विच इज अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ पे जो सेल डिवीजन इज एक्सप्लेन, सेल डिवीजन जो है वो एक्सप्लांट होता है, फॉर्म करता है कैलियस में, जो कि अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल होता है। सस्पेंशन कल्चर पॉइंट नंबर 1, सस्पेंशन कल्चर कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल्स एंड स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, कैलियस कल्चर इट इज़ मेंटेन्ड ऑन अ मीडियम जेल्ड यूजुअली विथ अगर। ठीक है, वो यूजुअली जो अगर अगर होता है वो जेल टाइप से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सस्पेंशन कल्चर के बारे में पॉइंट नंबर 2। तो सेल्स आर सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडियम, सेल जो होता है वो सस्पेंडेड होता है लिक्विड मीडियम में। पॉइंट नंबर 3, कैलियस कल्चर द मीडियम ऑर्डिनरी कंटेन्स द ऑक्सिन 2,4-D एंड ऑफन अ साइटोकिनिन लाइक BAP। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? पॉइंट नंबर 3, सस्पेंशन कल्चर यूजुअली द मीडियम कंटेन्स ऑक्सिन 2,4-D। क्लियर है? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। पॉइंट नंबर 4 कैलियस कल्चर का है, देयर इज़ नो नीड ऑफ एगिटेशन, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होता है एगिटेशन का। अब बात करते हैं हम सस्पेंशन कल्चर का पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो कि ये रहा, दे मस्ट बी कंस्टेंटली एगिएटेड एट 100-250 RPM। RPM मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट, याद रखिएगा, RPM मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। दे मस्ट बी कंस्टेंटली एगिएटेड एट 100-250 RPM। अब डिस्कस करते हैं हम पॉइंट नंबर 5, ये रहा 5 पॉइंट, इन अबाउट 2-3 weeks अ कैलियस मास इज ऑब्टेन, 2-3 हफ्तों में कैलियस मास जो होता है वो ऑब्टेन हो जाता है। बात करें अगर हम सस्पेंशन कल्चर के बारे में, तो सस्पेंशन कल्चर ग्रो मच फास्टर देन कैलियस कल्चर, जो सस्पेंशन कल्चर होता है वो फास्ट ग्रो होता है एज़ कम्पेयर टू कैलियस कल्चर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का डिफरेंस बिटवीन। आपको उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।